वेलकम स्टूडेंट्स, आइए आगे हम शुरू करते हैं चैप्टर टू का पार्ट सेकंड। तो हमने पार्ट वन में देखा कि कैसे हमारी इंडिया के अंदर, देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, गवर्नमेंट्स जो हॉस्पिटल हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने एक स्टोरी भी पढ़ी हकीम शेख के बारे में। तो इंडिया के अंदर ब्रॉडली दो तरह की हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरी प्राइवेट हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोनों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है? हेल्थ सेंटर्स की एक चेन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू रन की जाती है, चलाई जाती है। दे आर लिंक टूगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां होती हैं, उसमें इनका इलाज संभव है, ट्रीटमेंट संभव है। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। तो कॉमन जो इलनेस होती है और जो स्पेशल जो सर्विसेज होती हैं, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं इन अस्पतालों में। एट विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। तो गांव में क्या होता है कि हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ पे एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC। तो जो नर्स या फिर जो कंपाउंडर्स या फिर जो हेल्थ वर्कर जिसे हम बोलते हैं, वो एक डॉक्टर के जो इस क्षेत्र के अंदर जो विशेषज्ञ होता है उसके सुपरविजन में, उसके दिशा निर्देश में काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो गांव के अंदर जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PHC। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। तो ऐसा जो सेंटर होता है वो बहुत सारे गांवों को कवर कर पाता है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर। जो जिला स्तर पे जो हॉस्पिटल होता है वो इन हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है, इनका दिशा निर्देश करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन ऑफ वेयर अमन वाज टेकन एंड स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इन हकीम शेख स्टोरी। तो बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि हमने हकीम शेख की स्टोरी में पढ़ा था। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। हेल्थ सर्विस को पब्लिक क्यों कहा जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो अपनी कमिटमेंट, मतलब अपने आप को जो गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, उसको पूरा करने के लिए सभी नागरिकों को जो है इन अस्पतालों को एस्टेब्लिश करवाती है, स्थापित करवाती है शहरों के अंदर, और गांव में हेल्थ सेंटर रहते हैं। आल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और इन रिसोर्सेज का मतलब ये हेल्थ जो सिस्टम है ये चलता रहे, तो इन सर्विसेज को चलाने के लिए पैसा जो है पब्लिक से आता है, ठीक है, जो आम जन होते हैं तो वो लोग कमाते हैं और जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हैंस सच फैसिलिटीज आर मीन्ट फॉर एवरीवन। और ये जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबके लिए होती हैं, मतलब सभी पैसा देते हैं और टैक्स भी सभी का लगता है, तो वो सभी के लिए हो गई फैसिलिटीज़। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो इसका महत्वपूर्ण पहलू होता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो ये होता है कि सबसे पहले तो सभी को अच्छी हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है, जो भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें वो अच्छी हों, मेडिसिन्स अच्छी हों, डॉक्टर्स अच्छे हों, ठीक है, अस्पताल की कंडीशन अच्छी हों, तो ये सभी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और ये सस्ती भी हों, फ्री नहीं तो सस्ती भी हो सकती हैं, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपने आप को इसको अपना इलाज करवा सके। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। जो दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन है, काम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो ये है कि जो डिजीज़ फैलती है, जो बीमारियां फैलती हैं उनको रोकना, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा। ठीक है, तो ये जैसी बीमारियां हैं तो इनको रोकने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम्स चलाती है, तो उन प्रोग्राम्स के तहत जो है गवर्नमेंट इनको रोकने में कामयाब रहती है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो ये लोगों को जो है कैसे बचाती है बीमारियों से गवर्नमेंट, कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा लेते हैं और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अगर इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर ही लोग हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, प्रभावशाली नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वैन टेकिंग एपे कैंपेन टू सी वट मोस्ट दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एसेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। तो उदाहरण के तौर पर अगर मिले कि भी एक ऐसा कैंपेन चलाना है, कैंपेन मतलब एक ऐसा अभियान चलाना है कि ये देखने के लिए कि भी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जो मॉस्किटोज हैं वो वाटर कूलर्स के अंदर ब्रीड मतलब कि अपनी संख्या ना बढ़ा पाए। ठीक है, जो रूफ टॉप है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ पे साफ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मलेरिया के मच्छर जो है पनपते हैं। तो ऐसा एक कैंपेन चलाए चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे जो इनकी मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है वो नहीं हो पाती, और ये हमेशा इफेक्टिव होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू बी नो दैट वट कोर्ट सेड इन दिस केस। तो आपने पार्ट वन में हकीम शेख के बारे में पढ़ा था कि हकीम शेख को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है कहीं पे भी इलाज के लिए जगह नहीं मिली, अंत में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा, और लास्ट में उसने ट्रीटमेंट के बाद, ठीक होने के बाद, अस्पताल के खिलाफ जो है एक केस फाइल किया था। तो आप हमें इसको जानते हैं कि उस केस का क्या हुआ है, देखिए आगे। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। तो हमारे संविधान के अनुसार जो गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है, जो प्राथमिक कर्तव्य है, क्या है कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज सभी को प्रोवाइड की जाए, चाहे वो कोई भी हो। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और जो सरकार है हमेशा जो राइट टू लाइफ है, जीवन का जो अधिकार है, हमेशा उसको उसकी रक्षा करती है, सेफ गार्ड करती है। द कोर्ट सेड दैट डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो जो हकीम शेख ने कोर्ट में जो केस फाइल किया था, तो उस समय कोर्ट ने कहा कि हकीम शेख को अपने जीवन जो है अपने जीवन देकर उसका मूल्य चुकाना पड़ सकता था, जो उसने परेशानी उस समय देखी, उसको किसी भी अस्पताल में जो है दाखिल नहीं किया गया। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। और यदि कोई अस्पताल समय से किसी को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो इसका मतलब ये है कि राइट टू लाइफ जो है, प्रोटेक्शन जो है उसके लाइफ की, वो नहीं दी जा रही सरकार के द्वारा। द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। और उस समय कोर्ट ने कहा कि सरकार की ड्यूटी है कि सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जाएं, उसमें जो इमरजेंसी केसेस आते हैं उसका ट्रीटमेंट भी शामिल होता है।
Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing a necessary treatment. और जो अस्पताल हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ है उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सभी ज़रूरत का जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी इलाज करवाना है वो किया जाए समय के ऊपर. हकीम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और जैसे कि हमने देखा कि हकीम शेख को मना कर दिया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने से. देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट. और इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि जो उसने दूसरे प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो पैसा उसने अपने इलाज के ऊपर खर्च किया है वो उसको लौटा दे. तो ये तो हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं. अब हम देखते हैं कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे काम करती हैं. देर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. तो हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बड़ी रेंज है. ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स. हमारे देश के अंदर खुद के जो प्राइवेट निजी जो अस्पताल हैं वो डॉक्टर्स ने खोल रखे हैं. इन रूरल एरियाज़ वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो ग्रामीण एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड मतलब कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, वहीं वहाँ पे काम करते हैं. RMPS बोलते हैं जिन्हें. अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज. और शहरों में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं और वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं. देर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स होते हैं. देर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. इसके अलावा प्राइवेट लैब्स भी होती हैं, निजी जो प्रयोगशालाएँ होती हैं जहाँ पे कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड किया जाता है. देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. और इसके अलावा प्राइवेट शॉप्स भी होती हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं. एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइवेट जो शब्द है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंट्रोल की जा रही है ना उनका गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का उनके ऊपर अधिकार है. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़. तो जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बजाय प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे मरीजों को, पेशेंट्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. तो आज के समय में हम चारों तरफ जो है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं. इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिंस. तो वास्तव में ऐसी बहुत हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो इन अस्पतालों को चलाती हैं और जो दवाइयाँ बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो है वो भी शामिल है, और इसके अलावा दवाइयाँ बेचती हैं. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. और जो मेडिकल शॉप्स हैं जिनको हम केमिस्ट शॉप भी बोलते हैं वो हर जगह पाई जाती हैं देश के अंदर. तो हमने दोनों तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखा, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखा. अब ये सवाल उठता है कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं. इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. एडिक्वेट मतलब पर्याप्त. तो क्या सभी के लिए हेल्थ केयर जो है समान रूप से उपलब्ध है. इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. तो इंडिया में आज हमें ये सिचुएशन देख रहे हैं कि स्थिति देख रहे हैं कि प्राइवेट सर्विसेज उनका नंबर बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रही हैं, जबकि पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही. वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. तो जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं उनमें लोगों के लिए ऐसी क्या चीज़
उपलब्ध होती है जो पब्लिक सर्विसेज में नहीं होती. दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. मेनली जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती हैं. एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई. तो जैसे कि हमें पता है कि इन सर्विसेज को प्रॉफिट के लिए अपने लाभ के लिए जो है चलाया जाता है, और ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनसे ज़्यादा उनकी कॉस्ट होती है, हाई होती है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. इनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती हैं. एक्सपेंसिव मतलब महंगी. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी वैन देर इज़ ए इलनेस इन द फैमिली. और बहुत सारे लोग जो है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते. अफोर्ड मतलब कि उनको नहीं खरीद पाते, और या फिर उनको खरीदने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है जब उनका परिवार कोई सदस्य बीमार पड़ता है. इन ऑर्डर टू अर्न मनी दीज प्राइवेट सर्विसेज एंकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकरेक्ट. और पैसा कमाने के लिए ये जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो गलत काम करती हैं, ठीक है. एट टाइम्स चीपर मेथड्स दो अवेलेबल आर नॉट यूज. तो जो चीप मेथड्स होते हैं मतलब जो लोगों के लिए लाभदायक जो काम नहीं होते वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और उनका कोई काम भी नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रेस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिंस इंजेक्शन और सेलाइन बॉटल्स वैन टेबलेट्स और सिंपल मेडिसिंस कैन सफाइस. तो कई बार ये देखा गया है कि डॉक्टर्स जो है वो बिना अननेसेसरी अनावश्यक दवाएं जो है वो निर्धारित कर देते हैं. प्रेस्क्राइब मतलब निर्धारित करना. तो ऐसी दवाइयाँ निर्धारित कर दे देते हैं जो ज़रूरी नहीं है, ऐसे इंजेक्शन या फिर सेलाइन बॉटल जो है, जबकि वो काम जो है वो दवाई वो जो बीमारी है वो सिंपल टैबलेट्स या फिर कुछ मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है. कहने का मतलब ये है कि गलत कार्य प्राइवेट जो सर्विसेज हैं उनके साथ ही कई बार गलत प्रैक्टिसेस भी जुड़ी होती हैं, गलत कार्य भी जुड़े होते हैं. इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इलनेस. तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की वो इन मेडिसिन को अफोर्ड कर पाती है, इन मेडिसिन को खरीद पाती है जो किसी बीमारी के लिए निर्धारित की जाती हैं. हैंस इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसिस कॉल्ड हार्डशिप. और जो लोग मान लीजिए कि जो मध्यम वर्ग के भी जो लोग रहते हैं जो गरीब नहीं होते, उनके लिए भी ऐसी मेडिकल एक्सपेंस खरीदना, ऐसी मेडिकल सर्विसेज खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और उनको हार्डशिप से मतलब परेशानियों से गुजरना पड़ता है. इट वॉज़ रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंस. तो एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लगभग 40% ऐसे लोग जो एडमिट किए गए थे अस्पताल के अंदर, उनके पास उनको जो है पैसा उधार लेना पड़ा उस बीमारी को ठीक करवाने के लिए, या फिर जो उनके पोजीशंस थे, जो उनके अधिकार थे या फिर जो उनकी नौकरियां थी वो उनको गंवानी पड़ी उसका खर्च चुकाने के लिए, उस बीमारी को ठीक करवाने के लिए. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. तो जो लोग गरीब हैं उनमें उन परिवारों में जो डिस्ट्रेस जो इलनेस जो है बीमारी जो है उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एंगजाइटी का कारण है. एंगजाइटी मतलब कि एक चिंता का विषय है. What is worse is that this situation tends to happen again and again. तो ऐसा क्या है जो ये सिचुएशन बार बार होती रहती है, स्थिति हमारे सामने आती रहती है. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड. जो लोग गरीब हैं वो अंडर नरिश्ड मतलब जो लोग कुपोषित होते हैं, ठीक है, जिनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, तो पहले स्थान पे आते हैं. दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. तो ये परिवारों को इतना भोजन नहीं मिल पा रहा जितना कि इनको ज़रूरत है. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. तो इनको जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं वो नहीं मिल पा रही, जैसे कि पीने का पानी, ठीक है, पर्याप्त रहने के लिए जगह, जो क्लीन सराउंडिंग है वो सभी चीज़ें नहीं मिल पा रही. तो ये जीवन की बेसिक चीज़ें होती हैं. देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. और
इसीलिए ज़्यादा बीमार पड़ते हैं. द एक्सपेंसिस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. और इन एक्सपेंसिस से, इन खर्चों से, उनकी बीमारियों के ऊपर खर्चा होने से उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है. समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. तो सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पैसा ही वो कारण नहीं होता जिससे उनको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती. कई बार दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर. कि भी जल्दी से वुमेन्स को जो है एक अस्पताल में नहीं ले जाया जाता. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली. वुमेन्स की जो हेल्थ है उनको इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं माना जाता जितना मेंस की हेल्थ को माना जाता है परिवार के अंदर. मैनी ट्राइबल एरियाज वेयर एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं काम करते, उसमें अच्छे से नियमित रूप से जो उनको नहीं चलाया जाता. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल. इसके अलावा वहाँ पे निजी अस्पताल भी उपलब्ध नहीं है. वट कैन बी डन. तो हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इन हेल्थ फैसिलिटीज़ को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है ये अब हम देखते हैं. देर इज़ लिटल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. तो ये हमारे मन में छोटा सा डाउट है, ये संदेह है कि हमारे देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन हेल्थ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स. तो ये गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सभी नागरिकों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जितने भी नागरिक हैं. एस्पेशली पुअर एंड द डिसएडवांटेज, जो लोग गरीब हैं और जिनको इनका लाभ नहीं मिला है तो विशेष तौर से उनको तो ज़रूर मिलनी चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. तो health जो है वो dependent है जो हमारी social conditions हैं उनके ऊपर. Hence, it is important to work on both order to improve health situation of our people. तो ये हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो हमारा social order है और जो हमारी health services हैं, इन दोनों के ऊपर हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है उसको सुधारने के लिए. एंड दिस कैन बी डन. और इसको किया जा सकता है. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. आइए देखिए द केरला एक्सपीरियंस. इन 1996 द केरल गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. तो 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने अपने राज्य के अंदर कुछ बदलाव किए. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत. जो एंटायर स्टेट का जो बजट जो आता है, हर साल बजट बनाती है सरकार, तो उसमें 40% हिस्सा पंचायत को दिया गया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स. और वो अपनी योजनाएं बना सकते थे पंचायती लोग और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते थे उससे 40% से. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. तो इससे ये संभव हुआ कि गांव के अंदर लोगों को आसानी से पानी मिल सके, भोजन मिल सके और वुमेंस की जो एजुकेशन है वो भी उनको मिल पाए. दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वाज स्कीम्स वर चेक्ड एंड द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप. तो इसका मतलब ये है कि इस 40% का मतलब ये है कि जो सप्लाई स्कीम्स हैं, जो जैसे वाटर सप्लाई है या स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ीज जो हैं जहाँ पे काम करती हैं वुमेंस, तो उनको अच्छे से चलाया जा रहा है. हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड. इसके अलावा जो हेल्थ सेंटर्स थे गांव में उनको भी, उनका भी सुधार किया गया. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. तो इससे जो है स्थिति को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctor remained and these need to be addressed. इसके अलावा कुछ और कमियां रह गई, कुछ और समस्याएं आई इन प्रयासों के बाद भी. एफर्ट मतलब प्रयास, जैसे कि
शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की कमी होना, या फिर हॉस्पिटल बेड के अंदर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर बेड ना होना, ठीक है, अपर्याप्त होना, नॉट इनफ डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स भी जो है उनका नंबर नहीं रहना कम, एंड दीज नीड टू बी एड्रेस, और इनको जो है इनको ठीक करने की भी ज़रूरत है. सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ. तो हम एक दूसरे एग्जांपल के देखते हैं देश का, द कोस्टा रिकन अप्रोच. जो कोस्टा रिका जो कंट्री है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. कोस्टा रिका साउथ अमेरिका के अंदर एक हेल्दीस्ट कंट्री माना जाता है. द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका जो मुख्य कारण है कि जो कोस्टा रिका का जो संविधान है उसके अंदर हेल्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है. सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी. तो कई सालों पहले कोस्टा रिका ने एक निर्णय लिया, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था, और ये निर्णय था कि उनकी कोई भी आर्मी नहीं रहेगी. दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. तो इससे कोस्टा रिका गवर्नमेंट को एक फ़ायदा ये मिला कि जो पैसा वो आर्मी के ऊपर खर्च करने वाली थी उसने वो पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च किया, वहाँ की एजुकेशन शिक्षा के ऊपर खर्च किया, और जो दूसरी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनके ऊपर खर्च किया. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ टू ऑफ इट्स पीपल. तो कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट था उनका मानना ये था कि एक देश को हेल्दी रहने के लिए और अपना डेवलपमेंट करने के लिए अपनी जो नागरिक है उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स. और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएँ हैं अपने नागरिकों को दी. फॉर एग्ज़ाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग. तो एग्ज़ाम्पल के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड है जीवन की, जैसे कि साफ पीने का पानी, ठीक है, सैनिटेशन, साफ सफाई, न्यूट्रिशन, जो संतुलित भोजन प्रोवाइड करवाया, और रहने के लिए घर. हेल्थ एजुकेशन इज़ आल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है समाज का, और ये हमारे जीवन के लेवल को जो है, हेल्थ एजुकेशन जो है हमारे जीवन के स्तर को और ज़्यादा अच्छा बनाती है. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.